नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं गौरव नरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं अपने पिछले लेक्चर की। तो इसके पहले एक आपको मैंने लेक्चर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको गंगा एवं उसकी सहायक नदियां पढ़ाया था, और बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर मैंने उसमें आपको ये बता दिया कि गंगा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, गंगा नदी यानी जब देवप्रयाग से निकलती है, जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, तो उसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है, और जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो मैंने बाय मिस्टेक आपको सहारनपुर बता दिया। नहीं, सहारनपुर से प्रवेश नहीं करती है, ये प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। कहां से प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इतनी आपको बात याद रखना है, ये बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर हो गया था, इसको आप सही कर लीजिएगा। आइएगा, आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और उस नए अध्याय या एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भूगोल के लिए ही मैं जाना जाता हूं, और भूगोल में हर एक क्लास में पढ़ाता हूं। तो अधिकांश लोग या तो पेड बैच में पढ़ चुके हैं या ऐसी भी क्लास पढ़ी है, वो जानते हैं कि भूगोल में किस कदर से उनको पढ़ाता हूं। आज उससे हटके थोड़ा एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षा होगी, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपके रवि सर के द्वारा पहला वीडियो बनाया गया था, जिसमें सर ने आपको सिलेबस बताया था, उसमें सर ने इस बात को बखूबी बताया था आपको कि जो प्रश्न आने हैं उनकी संख्या 100 है, और 25 प्रश्न जो है वो ग्रामीण विकास एवं परिवेश और यूपी स्पेशल से आएंगे। यूपी स्पेशल को रवि सर और मैं दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे। रवि सर आपको करंट के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे, और मैं आपको उसमें जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इस जनजातियों, उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली, उत्तर प्रदेश की कृषि, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। और आप याद रखिएगा, यूपी स्पेशल यानी लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, आखिर लेखपाल का कार्य क्या होता है, उसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेत से संबंधित होता है, सिंचाई प्रणाली कैसी होती है, बुंदेलखंड में कैसी सिंचाई की जाती है, पूर्वोत्तर के या पूर्वांचल में किस प्रकार से खेती की जाती है। पहले हमें वहां की भूगर्भिक संरचना समझनी होगी कि वहां पर नलकूप है या तालाबों के माध्यम से सिंचाई हो रही, स्प्रिंकल सिंचाई हो रही है, किस प्रकार से सिंचाई हो रही, ये सारी चीजें हमें समझना होगी। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसी के क्रम में हम बढ़ाते जाएंगे। और बेसिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लिखा होगा, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश विशेष एक संक्षिप्त परिचय। आज हम उत्तर प्रदेश को ऊपर ऊपर से समझेंगे, ठीक ना, चलेगा। तो पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आज एकत्रित करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जनसंख्या, उसके बाद भौतिक प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते जाएंगे, चलेगा। तो सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश से अवगत कराते हैं। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। भारत के मानचित्र पर जो रेड कलर का आपको इंडिकेट कर रहा हूं मैं, यही आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो प्राचीन काल में से, यानी जब हम आजाद हुए, प्राचीन समय में से एक नाम दिया गया, और प्राचीन समय में से संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। प्राचीन समय में इसे किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन समय में इसे एक नाम दिया जाता था, संयुक्त प्रांत। क्या नाम दिया जाता था? संयुक्त प्रांत। 1950 में जब हम गणतंत्र हो गए, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण कर दिया गया, और इसका नामकरण कर दिया गया, अब क्या, अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। पहला प्रश्न आपका यही बन गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपको याद रखना है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश में कब नाम परिवर्तित कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहीं से, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कई बार कई महत्वपूर्ण भारतीय परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ, यानी 24 जनवरी 1950 को, क्या तब से ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा? नहीं,
उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है वो की गई वर्ष 2018 से। कब की गई? वर्ष 2018 से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और गलत होने की संभावना यहां पर थोड़ा सा भी आप चूके और आपकी दुर्घटना घट जाएगी, समझ रहा है ना। तो यहां पर चूकना नहीं है, बहुत अच्छे समझना है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018 को। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तीसरा प्रश्न है पुनर्गठन कब हुआ, दिवस कब मनाया गया, और अगला हो जाएगा क्या कि प्रथम बार, पहली बार या प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया। तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, इस प्रश्न का आंसर है वर्ष 2018 में। कब मनाया गया? वर्ष 2018 में, ठीक ना। इसका थोड़ा सा हमने इतिहास समझाया। अगला समझिएगा, उत्तर प्रदेश है, अगर हम बात करें तो ऊपर वाली दिशा जो होती है, देश में बात कर रहे हैं, भारत देश में ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है, आगे वाली दिशा पूरब होती है और पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य, मैंने एक शब्द यूज किया, उत्तर प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य का मतलब है जहां पर किसी देश की सीमा का अंत होता है, वहां पर जो राज्य होते हैं उनको सीमांत राज्य कहते हैं, जो गांव होंगे उनको सीमांत गांव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सीमांत। तो उत्तर प्रदेश भारत देश की उत्तरी सीमा पर स्थित एक सीमांत राज्य। क्या राज्य है? सीमांत राज्य। इसकी सीमा का अंत हो रहा है, अगर यहां पर इसकी सीमा का अंत हो रहा है तो मतलब यहां पर किसी न किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श कर रहा होगा, मतलब यह किसी न किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श कर रहा होगा। तो यहां पर जिस देश की सीमा को यहां पर स्पर्श कर रहा है, इस देश का नाम क्या है? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश किस देश के साथ, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा स्पर्श करता है या सीमा बनाता है? तो आपको इसका सही आंसर देना है, किस देश के साथ बनाता है? नेपाल देश के साथ बनाता है, ठीक ना। किस देश के साथ बनाता है? नेपाल देश के साथ। अगला बढ़ते हैं, अगला, उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है, पुनर्गठन हो गया, सब हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,000 है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक ना भाई, हम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आंकड़ा बहुत कम पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ये आंकड़ा, इतना सारा आंकड़ा आपको याद रखना है, हो सकता है आंकड़े याद ना हो पाए। अगला प्रश्न यही बनता है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं और कमेंट करके बताइए कितना है, 32 लाख है या 38 लाख है, कितना है भारत का क्षेत्रफल, कितना है ये आपको कमेंट करके हम बताना है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे के पूरे देश का, यानी भारत देश का, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल तो देख ही रहे हैं, प्रतिशत की दृष्टि से, सॉरी, अगर हम इसको हम प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो लगभग 7, कितना, 7.33% है पूरे भारत का, लगभग 7.33% 7.33% है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा, ये आंकड़ा आपसे पूछा जाता है। अगला, अगर हम बात करें आगे वाली दिशा, उत्तर प्रदेश में ये पूरब है तो ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी। तो अगर हम बात करें राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई, और यहीं पर अगर बात करें राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, दोनों पूर्व से पश्चिम लंबाई, आप बताइएगा डायग्राम देख के आपको क्या लगता है, पूर्व से पश्चिम में ज्यादा लंबा है या उत्तर से दक्षिण में ज्यादा लंबा है? तो पूर्व से पश्चिम में अगर लंबाई देखें तो ज्यादा है, लगभग 650 किलोमीटर,
अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है वो लगभग है 240 किलोमीटर, ठीक ना। तो दोनों में याद रखने हैं, पूर्व से पश्चिम लगभग 650 किलोमीटर लंबाई इसकी, और उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 240 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक ना। जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं आप जानते हैं, टारगेट आलोक में प्रत्येक टीचर आपको इतनी ही मेहनत से पढ़ाता है, इतनी मेहनत से पढ़ाता है। और ना केवल यहाँ के टीचर आपको पढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ के टीचर ये मनोकामना भी करते हैं और उनकी इच्छा भी होती है कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छे से मेहनत करें। पूरी टारगेट आलोक टीम, आलोक सर से लेकर और इस कोचिंग का सबसे निम्न व्यक्ति, सबसे छोटा व्यक्ति, काम में सबसे छोटा व्यक्ति, वो भी आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और इसी लगन के साथ यहाँ पर सारे टीचर पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें हजारों बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, धन्यवाद। और अभी भी मौका है आपका, नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उसमें एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, लेख पर एंट्री लिखकर सेंड कर सकते हैं, या जो और भी नंबर जो स्क्रॉलिंग में चल रहे हैं उन पर आप फोन कर सकते हैं। हमारे काउंसलर से बात करके आप एडमिशन प्रक्रिया, कोर्स की अवधि, सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक ना। आइएगा अब उत्तर प्रदेश के हम अंदर प्रवेश करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और देखिएगा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, धीरे धीरे पढ़िएगा, समय बहुत है, अभी समय बहुत है। विज्ञप्ति आई थी कि लॉकडाउन के बाद लगभग 5200 पद आएंगे लेखपाल के, अपना समय पर्याप्त है, जितना पढ़ाया जाए, ठोस पढ़ाया जाए और अच्छे से, जितने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊं, अन्य टीचर आपको जितने अच्छे से पढ़ाए, हम चाहते हैं कि उतने ही अच्छे से आप भी पढ़े, उतने अच्छे से आप भी पढ़े, ठीक ना। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को समझ लेते हैं। प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये मानचित्र है, इस मानचित्र में मैं राज्य बना रहा हूं कहां पर कौन सा राज्य कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। देखिएगा तो यहां पर ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम जानते हैं आप, इस राज्य का नाम बिहार है, बिहार को स्पर्श करता है। बिहार के बाद यहां पर जो राज्य आपको दिख रहा है ये झारखंड राज्य, झारखंड को स्पर्श करता है। इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है। ये राज्य जो है, इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। यहां पर ये कौन सा है, यहां पर ये राजस्थान, ये पूरा मध्य प्रदेश है, ये बुंदेलखंड है, ललितपुर है, ठीक ना। राजस्थान के ऊपर बढ़िएगा तो यहां पर एक छोटा सा है और इसका नाम है दिल्ली, केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली के बाद अगर और ऊपर बढ़ेंगे तो ये हरियाणा है, हरियाणा के और ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के और ऊपर देखेंगे या हिमाचल प्रदेश के बाजू में देखेंगे तो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड है। हम राज्यों की बात करें तो बिहार एक, झारखंड दो, छत्तीसगढ़ तीन, मध्य प्रदेश चार, राजस्थान पांच, हरियाणा छह, हिमाचल प्रदेश सात, उत्तराखंड आठ। आठ राज्य स्पर्श करते हैं, आठ राज्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, आठ राज्य जो है वो प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक ना। कितने राज्य, आठ, और एक दिल्ली भी तो स्पर्श करता है, लेकिन दिल्ली हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है, बल्कि क्या है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। तो आठ राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, आठ राज्य और आठ राज्यों के साथ एक केंद्र, सॉरी आठ राज्य और आठ राज्यों के साथ एक केंद्र शासित राज्य, ठीक ना। और केंद्र शासित राज्य कौन सा, दिल्ली। और यहां पर देख रहे हैं कौन सा देश है, यहां पर नेपाल, नेपाल भी तो स्पर्श करता है, तो एक देश स्पर्श करता है। और कौन सा देश स्पर्श करता है, तो जो देश स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को, वो देश का नाम क्या है, नेपाल। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जिस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उस देश का नाम क्या है, नेपाल। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आठ राज्य, ये आठ राज्य कौन से हैं, मैं यहां पर आठ राज्य लिख रहा हूं। पूरब में देखेंगे तो बिहार और झारखंड है, पूर्व में अगर देखेंगे तो बिहार और झारखंड है,
नीचे की ओर देखेंगे यानी दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में तो छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। दक्षिण दिशा में देखेंगे तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर उत्तर दिशा में देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य मिल जाएगा, सबसे उत्तर में उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम दिशा में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। और अगर पश्चिमी दिशा में देखेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद राजस्थान, हरियाणा दिल्ली और राजस्थान। तो आप देख लीजिएगा ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य लिखे हैं, काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य लिखा है। यहां पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से लगती है, ये आपको अपने आप से लिखना है। क्योंकि देखिएगा ये लेखपाल है, अगर हम पिछली बार की बात करें तो इसमें एक इंटरव्यू भी हुआ था, इस बार का तो नहीं कह सकते हैं लेकिन पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इसमें एक इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू पिछली बार में वैकेंसी ऐसी थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली थी, इस बार का तो ये पता नहीं है, और जिले के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी और जिले के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। उसमें जिले का मालिक यानी डीएम साहब ने इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू में वो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लीजिएगा आप लखीमपुर जिले से हैं तो लखीमपुर जिले की सीमा कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करती है, कौन कौन से देश को स्पर्श करती है, क्या लखीमपुर नेपाल को स्पर्श करता है, आपको इनके आंसर खुद ढूंढने हैं। कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के जो नेपाल को स्पर्श कर, सॉरी कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से वो जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस आधार पर सभी राज्यों से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित राज्य और 1 देश के साथ लगती है। अब इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा राज्य होगा जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती होगी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा यहां से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश से सोनभद्र जिला है, मध्य प्रदेश यहां से ऐसा बुंदेलखंड का ललितपुर है, ये झांसी है, ये ललितपुर है, अभी मैं सब कुछ इंडिकेट करूंगा, और ऐसे होते हुए जालौन तक इसकी सीमा लगती है, जालौन तक, इटावा जालौन तक इसकी सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश साथ लगती है, किसके साथ लगती है, सबसे लंबी सीमा, राज्य की सबसे लंबी सीमा, राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश। अब पूछ लेता है सबसे छोटी सीमा, तो बिल्कुल यहां पर सहारनपुर स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश को, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो सबसे लंबी सीमा जो है वो जिस देश के, जिस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के हम जिलों से आपको अवगत करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जिले देखिएगा ये है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुल जिले की या उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है कितनी, 75। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। इन 75 जिलों को 18 मंडलों में विभाजित किया गया, यानी मंडलों की संख्या कितनी है, कितने मंडल है, तो 18 मंडल है, 18 मंडल है, ठीक ना। ग्रामीण परिवेश से संबंधित कितनी नगर पंचायत है या कितनी पंचायत है, जिला पंचायत, नगर पंचायत नहीं सॉरी जिला पंचायत, तो अगर जिला पंचायतों की संख्या की बात करें तो जितने जिले उतनी जिला पंचायत है, कितनी जिला पंचायतें हैं, तो 75 जिला पंचायतें हैं, आपको याद रखना है, ठीक ना। आइएगा ये उत्तर प्रदेश के सारे जिले बने हुए हैं, मैं अभी सारे जिलों से आपको अवगत नहीं करा रहा हूं, मैं यहां पर अभी सोनभद्र जिले की बात करता हूं। सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र यहां पर और यहां पर ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले हैं। अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे दक्षिण में सोनभद्र आता है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, अगर सोनभद्र ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ललितपुर लगाइएगा, ठीक ना। तो सबसे दक्षिण में सोनभद्र है, अच्छे समझिएगा। सोनभद्र की अगर हम यहां पर बात करें तो ये
बिहार राज्य की सीमा है, जिसमें यहां पर चंदौली, आप लोगों में से कोई अगर चंदौली का होगा तो बताइएगा क्या चंदौली की सीमा बिहार से लगती है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक ना। और यहां पर ये नेपाल है, यहां पर ये सारे के सारे जिले नेपाल के हैं। तो यहां पर सोनभद्र की जो सीमा है वो बिहार से भी लगती है, और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, झारखंड, और नीचे यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य है, और यहां पर एमपी है, यानी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के सॉरी भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है, 4। दो क्वेश्चन बन गए। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता हो, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, या इस प्रकार पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला कितने जिलों को, राज्यों को स्पर्श करता है, तो आप क्या बताएंगे, 4। क्या बताएंगे, 4। कौन से हैं, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, यहां पर हम लिख दे रहे हैं सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। चार राज्य कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक ना, कौन सा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो आगे वाली दिशा पूरब होती है, ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, नीचे वाली दक्षिण होती है, पीछे वाली पश्चिम होती है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिण जिला, या एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, तो इस आधार पर आपको बनाना है। देखिएगा, पढ़ाई कम करनी है, पढ़ाई कम करने का मतलब हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें अधिकांश चीजों को रटना नहीं है, हमें अधिकांश चीजों को समझना है, और जितनी अधिक चीजें आप समझेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और देखिएगा, एक बार पढ़ाई करिएगा और उसका बेनिफिट बार बार हो तो कितना अच्छा रहेगा, और आप हर बार पढ़िएगा। ये बताइएगा, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भागवत या अखंड रामायण या रामचरितमानस कई बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपको बताइएगा क्या पूरी की पूरी रामायण आपको याद नहीं है, पूरी की पूरी रामायण याद नहीं है। और आपको यदि मैं कोई मूवी दिखा दूं, एक ही बार मूवी दिखा दूं, पूरी की पूरी मूवी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसको ना केवल उसको सुन रहे हैं, ना उसको हम पढ़ रहे हैं, बल्कि हम उसको देख रहे हैं। जो चीजें देखी जाती हैं वो बहुत जल्दी से याद होती हैं, या जिन चीजों का अध्ययन चित्र के द्वारा किया जाता है, डायग्राम के द्वारा किया जाता है, मानचित्रों के आधार पर किया जाता है, फ्लो चार्ट के आधार पर किया जाता है, वह चीजें लंबे समय तक याद रहती है, वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिएगा, देखिएगा, मान लीजिएगा ये उत्तर प्रदेश है, मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश है, तो आगे वाली दिशा पूरब हो गई, नीचे वाली दिशा दक्षिण हो गई, पीछे वाली दिशा पश्चिम हो गई, और ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई, उत्तर हो गई। अब सबसे पूरब में कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्व में जिला है, उस जिले का नाम है बलिया। क्या नाम है, बलिया। सबसे अगर हम उत्तर में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में जो जिला है उसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है सहारनपुर। और जो पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और अगर सबसे दक्षिण की बात करें तो सबसे दक्षिण में सोनभद्र है, और अगर आपको सोनभद्र ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको क्या याद रखना है, ललितपुर। हाला में वो सोनभद्र जरूर ऑप्शन में देता है, अगर सोनभद्र नहीं होगा तो आप खुद देख सकते हैं मानचित्र में, तो सबसे दक्षिण में आपको कौन सा दिखाई देगा, ललितपुर दिखाई देता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है ललितपुर। किस लिए जाना जाता है ललितपुर, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ललितपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक ना। तो ये उत्तर प्रदेश के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले जिले हो गए। और अगला समझिएगा, 18 जिले हैं, इन 18 जिलों में से कोई ना कोई एक ऐसा जिला होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बोल रहा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा, और एक ऐसा भी जिला होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होगा। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, लखीमपुर खीरी। अब आपको और अच्छे से पढ़ना है,
मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो अलग बात है, आपको भी। अब मैंने जैसे नाम लिया लखीमपुर खीरी, आप लोगों में से अधिकांश लोग लखीमपुर खीरी के होंगे, तो लखीमपुर खीरी जैसे ही मैंने कहा तो आपको लखीमपुर खीरी के बारे में जितनी चीजें मैं बताऊं वो अलग है, उसके अलावा भी आप क्या वहां की चीजें समझ सकते हैं वो लखीमपुर खीरी, ठीक ना। बताइएगा, भारत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, भारत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर हम बात कर रहे थे लखीमपुर जिले की, तो लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अब अगर सबसे छोटे जिले की बात आती है तो देखिएगा यहां पर लिखा है संत रविदास नगर, ये रहा जिसको हम भदोई के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, भदोई। भदोई किसके लिए जाना जाता है, ऐसे ही तैयार करना है, भदोई दरियों के लिए जाना जाता है, जो दरी होती है दरी का निर्माण किया जाता है भदोई में। हालांकि जब मैं उत्तर प्रदेश के आपको उद्योग, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग, मध्यम प्रकार के उद्योग, इन सबसे अवगत कराऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा ये, लेकिन आपको ये चीजें अलग से पढ़नी है, अपने आप पढ़नी है, इंटरेस्ट दिखाना है, इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जब तक मजा नहीं आएगा, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर और सबसे छोटा संत रविदास नगर, वो कई बार क्या होता है दो तीन दे देता है, चार जिले दे देगा और कहेगा इनको क्रम से सजाइए, तो हम चार बता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के चार सबसे बड़े जिले। तो पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी है, पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का देखा जाए तो हरदोई जिला है, कौन सा है, हरदोई। यहां पर देखिएगा तो यहां से आगे बढ़ेंगे रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर है, ठीक ना। तो तीसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, आपको याद रखना है हरदोई, क्या नाम याद रखना है, तो हरदोई, उसी को कहीं कहीं ज्योतिबा फुले नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और चौथे नंबर पे तो सीतापुर, सीतापुर पूरब में है, तो पूरब में हम ढूंढ लेते हैं सीतापुर, ठीक ना, यहाँ पर सीतापुर है पूरब में, ठीक ना। बाराबंकी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, ठीक ना, जौनपुर, तो सीतापुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है, ठीक ना, हरदोई ये है। तो अगर हम कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटे जिले की बात हो जाए तो संत रविदास नगर। कई बार वो क्या करता है कि चार जिले दे देगा और कहेगा इनको क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो हम चार सबसे बड़े जिले बता दे रहे हैं आपको, चार सबसे छोटे जिले आपको पता लगाना है, चार सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के चार सबसे बड़े जिले, प्रदेश के चार सबसे बड़े जिले, तो पहले नंबर पे कौन सा बताया आपको, तो सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक ना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो सोनभद्र, सोनभद्र, तीसरे नंबर पर याद रखना है हरदोई, हरदोई, और चौथे नंबर पर याद रखना है आपको क्या, सीतापुर। आइएगा अब इनको मैप मानचित्र में देख लेते हैं कि मानचित्र में कहां पर है, मानचित्र में देखिएगा तो देखिएगा लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर हरदोई ये रहा, और हरदोई के पास में क्या है, हरदोई के पास में है सीतापुर, हरदोई के पास में क्या है, सीतापुर है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक ना, ये आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि के से चार बड़े जिले याद रखने हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से चार छोटे जिले आपको बताना हमें, ठीक ना। उसके बाद यहां पर दिल्ली है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं आपको बताना है। जो मान लीजिएगा ये आपका दिल्ली है, तो दिल्ली तो इतना छोटा सा है, इस दिल्ली में जनसंख्या अधिक है, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने मंत्री हैं, जितने भी लाल फीताशाही के लोग हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो जब दिल्ली में रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हुई, नहीं उद्योगों का विकास हो पाया, आम जनता भी नहीं रह पा रही थी, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को किसमें परिवर्तित कर दिया गया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया गया एनसीआर में, किसमें परिवर्तित कर दिया गया, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर में परिवर्तित कर दिया गया। और एनसीआर की अगर हम बात करते हैं कि एनसीआर क्या है, तो एनसीआर होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नहीं, एनसीआर का अर्थ होता है नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, तो एनसीआर का अर्थ क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। अगर हिंदी में बात करें,
नेशनल को हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या नाम देते हैं इसको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हमने एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दे दिया, और इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया। 7 जिले, 7 जिले कौन से हैं, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। गौतम बुद्ध नगर, ठीक ना, एक हो गया। हापुड़, बागपत, मेरठ, मेरठ के बाद कौन सा हो गया, मेरठ के बाद हो गया आपका बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, एक मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर कहां पर है कमेंट करके बताइएगा, आज मैं बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एक मुजफ्फरनगर है और एक मुजफ्फरपुर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ए है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, ये 7 जिले हैं जो किसमें शामिल हैं, इन 7 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, इसमें हरियाणा के भी कुछ जिले हैं, कुछ जिले इसमें जो भी दिल्ली से लगी हुई राज्य है उनसे है, ठीक ना। तो इतना आज हमने पढ़ाया, आइएगा अब प्रीवियस सर के कुछ क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बहुत कम पढ़ाया, केवल राज्यों तक ही अभी हमने चर्चा की, इसके आगे उत्तर प्रदेश के अभी हमें शासन पढ़ानी पड़नी है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, विधानसभा हमारे पास और विधान मंडल है, सारी चीजों की चर्चा धीरे धीरे करेंगे। आइएगा, इससे संबंधित मैंने कुछ आपके लिए प्रश्न लिख रखे हैं, तो इन प्रश्नों को करते हैं पहले, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है, लेखपाल की बात नहीं हो रही है, विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ, 2018 से। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श होती है, तो प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जिस राज्य के साथ स्पर्श होती है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, कौन सा है, लखीमपुर खीरी। मैं अभी आपसे नहीं करा रहा हूं, बाद में आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा बताया हम आपको, सोनभद्र, कौन सा, सोनभद्र। प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले, देखिएगा यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा, वो पहले पूर्वी पूछ रहा है, तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला याद रखना है शामली, सबसे पश्चिमी जिला शामली। आइएगा प्रश्न नंबर 6, ये तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा 1947 में मानी गई थी, या 1947 में उत्तर प्रदेश के पहली राजकीय भाषा के तौर पर हिंदी को चुना गया, और उर्दू की अगर बात करें तो 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में या राजकीय भाषा के रूप में किस वर्ष चुना गया, तो इसका आंसर है 1989। प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो प्रदेश में कुल कितने मंडल है, 18 मंडल है, 75 जिले हैं। कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है, देखिएगा बागपत तो है, बुलंदशहर है, मेरठ है, जालौन बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये एनसीआर में शामिल नहीं है। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, हाँ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के क्षेत्रफल का 7.33% है, और वर्तमान समय में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो ये आपको याद रखने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक ना। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना, हालांकि मैं अभी आपको पढ़ाया नहीं हूं, उत्तर प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है, और ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है,
जो कि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय में शामिल है, ठीक ना, सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा न्यायालय है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। मुख्यालय कहां है इसका, इलाहाबाद, और खंडपीठ कहां है, तो खंडपीठ इसकी लखनऊ में है, ब्रांच इसकी लखनऊ में है। नीचे नंबर दिए गए हैं, एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया के लिए पूरी स्क्रॉलिंग चल रही है, आप कॉल भी कर सकते हैं और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर लेखपाल एंट्री लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।